नमस्कार दर्शकों, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूं आपका हमारी खास पेशकश आपकी सेहत में। दोस्तों, आज के दौर में डायबिटीज या मधुमेह जिंदगी को कितना प्रभावित कर सकते हैं और खासकर लिवर पर इसका कितना प्रभाव पड़ सकता है, कौन सी सावधानियां इस वक्त अपनाना जरूरी हो जाता है, ये सब आपको बताएंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर राजेश कृषि, जो कि टोटल केयर कंट्रोल डायबिटीज केयर सेंटर के डायरेक्टर और कंसल्टेंट है और साथ में डायबिटोलॉजिस्ट भी है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। क्या कुछ खाने पीने के तौर पर डायबिटीज के रोगी अपना सकते हैं जिससे उन्हें फायदा पहुंचे? जी, हम इसी चर्चा को जारी रखेंगे। हमने जो पिछली बात की थी वो की थी कि हरी सब्जियां भी खूब खा सकते हैं, जो जीरो कैलोरी फूड्स होती हैं जी। वो सब्जियां जैसे तोरी, घिया, लौकी, करेला, इस प्रकार की और सब्जियां जैसे पत्ता गोभी, ये सब भी आप खूब खा सकते हैं, इसमें कोई कमी नहीं रखी है। बिल्कुल। दूसरी बात, इसके साथ साथ खाने से पहले हर बार कच्चा सलाद जो होता है, जैसे खीरा, टमाटर और प्याज, गाजर, ये सब चीज़ें कच्ची सब्जियाँ बिना पकी हुई आप जितनी भी इच्छा आपकी हो खा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, ये बहुत फ़ायदेमंद है आपके लिए। जी बिल्कुल। इसके साथ दिन में तीन से चार बार फलों का सेवन अवश्य करें। फल जो हमने फल बताए, केला नहीं खाना, अंगूर नहीं खाना, चीकू नहीं खाना, आम खाना है तो एक फांके से ज़्यादा नहीं खाना, इस प्रकार के फल जिनमें शुगर ज़्यादा होती है वो ना खाएं। उसके अलावा आम तौर पे ज़्यादातर फल जो मिलते हैं उन सब का सेवन कर सकते हैं। एक फल जी। फल का माप तौल ऐसे है कि जो आपकी मुट्ठी में जितना फल समा जाए उतना फल खा सकते हैं। तो अगर ये संतरा है या आड़ू है तो संतरा हम ज़्यादा भी खा सकते हैं क्योंकि वो रसीला होता है, उसके अंदर पानी होता है, तो उसको पूरा खाना है, उसका जूस नहीं पीना। संतरा, मौसम्बी, 1 से 2 संतरे एडल्ट मतलब वयस्क लोग खा सकते हैं, एक छोटा सेब खा सकते हैं, और कटे हुए फल हैं जैसे पपीता है, तरबूज है, खरबूज है, तो एक बड़ी कटोरी में या मुट्ठी भर में जितना समा जाए उतना फल। तो इस प्रकार के विभिन्न फल जो हैं दिन में 3 बार 4 बार खा सकते हैं, और अगर फल मीठे हैं तो भी उनका सेवन कर सकते हैं क्योंकि फल खाने से शुगर इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती। फलों में फाइबर बहुत होता है जो शुगर की मात्रा कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। तो इस प्रकार का अगर आपका आपकी जीवन शैली में आपका खान पान ऐसा रहेगा तो इससे आपको शुगर कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलेगी। और ये बहुत आवश्यक है, आप कोई भी दवाई लें, कोई गोली लें या इंसुलिन लें, अगर उससे आपका शुगर कंट्रोल भी हो जाता है तो भी आपको ज़िंदगी भर अपनी डाइट पे कुछ नियंत्रण रखना आवश्यक है, जिस प्रकार हमने बताया। बिल्कुल। यहाँ पर हमारे साथ सुमित जुड़ गए हैं बड़वानी से। सुमित, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी सुमित, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं ये जानना था कि अगर डायबिटीज वगैरह होती है जी, जो मेन सिम्टम्स है बॉडी के अंदर वो क्या होते हैं, यानी कि डायबिटीज के लक्षण क्या होते हैं? देखिए, डायबिटीज जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब जब शुगर की मात्रा खून में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और काफ़ी अरसे तक बढ़ी रहे, तभी केवल डायबिटीज़ के लक्षण आते हैं। डायबिटीज़ के लक्षण ये होते हैं कि प्यास बहुत लगती है, कमज़ोरी हो सकती है और विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन हो जाते हैं शरीर में, प्राइवेट ऑर्गन्स में जो ठीक नहीं होते, पाँव में तरह तरह के इन्फेक्शन, फोड़े फुंसी हो जाते हैं, वो काफ़ी अरसे तक ठीक नहीं होते, और धुंधलापन, नज़रों में धुंधलापन हो जाता है, ठीक से दिखाई नहीं देता, प्यास बहुत लग सकती है, भूख बहुत लग सकती है, वजन कम हो सकता है, अचानक वजन गिरने लगता है, तो ये बहुत तरह तरह के डायबिटीज़ के लक्षण हैं। लेकिन एक बात ये जानना ज़रूरी है कि ये लक्षण सबको नहीं होते। बिल्कुल। और अगर ये लक्षण हैं इसका मतलब ये नहीं कि अवश्य ही डायबिटीज़ हो, क्योंकि और बहुत सारी बीमारियों में ये लक्षण हो सकते हैं। जी। तो डायबिटीज़ के लक्षणों का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ रहा है, आपका वजन ज़्यादा है, तो कुछ समय पे डायबिटीज़ की जांच अवश्य कराएं। लेकिन अगर ये लक्षण आते हैं तो शुगर की जांच कराना बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल। तो मतलब सावधानी के तौर पर डायबिटीज़ के लिए जो भी ज़रूरी जांचें हैं वो करवाते रहें समय समय पर। डॉक्टर, यहाँ पर आपने हमें खान पान के बारे में बता दिया, डायबिटीज़ का क्या कुछ असर हो सकता है ये भी आपने बता दिया। अगर हम बात करें अल्कोहल की, जिससे बहुत सारी दिक्कतें में शुरू हो सकती हैं, क्या इसका भी कोई रोल माना जा सकता है डायबिटीज़ में? जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा कि अल्कोहल का क्या रोल माना जा सकता है डायबिटीज़ में। जी, इनफैक्ट एक प्रकार की डायबिटीज़ या डायबिटीज़ नहीं, एक प्रकार की ऐसी बीमारी होती है जिससे जिसमें शुगर बढ़ जाता है लेकिन वो डायबिटीज़ नहीं मानी जाती। वो अल्कोहल के प्रकोप से, जब अल्कोहल लोग ज़्यादा पीते हैं, जब अल्कोहल का सेवन करते हैं, उसकी वजह से लिवर ख़राब होने लगता है तो अचानक शुगर बढ़ने लगती है। हमने शुरुआत में इस बात की चर्चा की थी कि लिवर जो है एक बहुत महत्वपूर्ण रोल
अदा करता है शुगर के कंट्रोल में। अगर लीवर किसी वजह से ख़राब हो जाए, बीमार हो जाए, तो उस वजह से शुगर जो है खून में बढ़ने लगता है। तो अक्सर लोगों को लगता है कि ये डायबिटीज़ है, लेकिन वो डायबिटीज़ नहीं होती, वो लीवर की बीमारी होती है। बिल्कुल। तो ये तो बात रही कि अगर लीवर ख़राब हो जाए अल्कोहल से तो क्या हो। दूसरा, इसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, आजकल डायबिटीज़ बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है। 10-12% लोगों को, ये भारत सरकार के आंकड़े हैं कि इस देश में डायबिटीज़ है। ऐसे में बहुत सारे लोग हमारे यहाँ अल्कोहल का सेवन भी करते हैं, तो जब डायबिटीज़ है उसकी वजह से नुकसान हो रहा है, और जो अल्कोहल लेते हैं उसकी वजह से नुकसान बढ़ता है जी। ऐसे में कुछ डायबिटीज़ से जुड़ी समस्याएँ हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशन हैं जो ज़्यादा प्रभावी हो सकती हैं। एक तो जो हमने बात की नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, जिसमें लीवर ख़राब होने लगता है, अगर अल्कोहल लें और डायबिटीज़ दोनों हो तो उससे इसका प्रकोप ज़्यादा भीषण हो जाता है, ज़्यादा गहरी चोट पहुँचती है लीवर पे और लीवर जल्दी ख़राब हो सकता है। बिल्कुल। दूसरी बात, कॉम्प्लिकेशन होती है डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जिसमें जो शरीर की नर्व हैं जो पाँव में और दूसरे हिस्सों में जा रही हैं वो ज़्यादा ख़राब होती हैं, जल्दी ख़राब होती हैं। क्योंकि देखिए, एक डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन जो डायबिटीज़ की अर्लीस्ट कॉम्प्लिकेशन है, जो सबसे पहले आमतौर पे लोगों में देखी जाती है, वो होती है डायबिटिक न्यूरोपैथी, जिसमें यही नर्व ख़राब होती हैं। और अल्कोहल लेने का एक डायरेक्ट असर ऐसा होता है कि ज़्यादा जब अल्कोहल की मात्रा खून में बन जाए तो अल्कोहल जो नर्व होती हैं, जो दिमाग की तंत्रिकाएँ होती हैं, उनके लिए बहुत हानिकारक होता है, उनके लिए वो टॉक्सिक होता है अल्कोहल। ऐसे में वो तंत्रिकाएं मरने लगती हैं, ख़त्म होने लगती हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ हो जाती हैं तो वो जो न्यूरोपैथी डायबिटीज़ की वजह से वो और एक्यूट हो जाती है, वो और एग्रीवेट हो जाती है। जी बिल्कुल। साथ ही साथ अल्कोहल ज़्यादा लेने से बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है। बिल्कुल। ये चर्बी जगह जगह जमा होने लग जाती है, इसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ जाता है, जो हार्ट में हो सकता है, जो खून की नलियां दिल के अंदर हैं, जो खून की नलियां दिमाग में खून ले जा रही हैं उनमें हो जाता है जी। तो जब ये खून की नलियां जाम हो जाती हैं, खून पूरा सही तरह से दिमाग में नहीं जाता या दिल में नहीं जाता और ये ब्लॉक हो जाए, तो दिल का दौरा हो सकता है, दिमाग का दौरा पड़ सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अल्कोहल की वजह से हो सकती हैं, ये अल्कोहल की वजह से डायबिटीज़ में जिनका असर बढ़ सकता है कहीं ना कहीं। यहाँ पर हमारे साथ संतोष जुड़ गए हैं कटनी से। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी संतोष जी, पूछिए अपना सवाल। जी मैं पूछना चाहता हूँ, मेरी श्रीमती जी को ब्रेस्ट कैंसर है, तो उससे पैरों में घाव है अंगूठे में सर, तो अभी 3-4 महीने हुए सूख नहीं रहा, थोड़ा बड़ा हल्का सा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या पट्टी को बांधना चाहिए 24 घंटे, और क्या लगाने कोई दवाई वगैरह है क्या? देखिए, इसको बोलते हैं डायबिटिक फुट अल्सर या डायबिटिक फुट इन्फेक्शन। ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, और इस दुनिया में नॉन ट्रॉमेटिक एम्पुटेशन की सबसे बड़ी वजह डायबिटिक फुट इन्फेक्शन ही है। मतलब कि सबसे ज़्यादा दुनिया में इस समय लोगों के पाँव काटे जा रहे हैं इन एक्सीडेंट के बाद, केवल डायबिटीज़ की वजह से। बिल्कुल। और न केवल इसकी वजह से पाँव आदमी खो सकता है, दूसरी बात है इसकी वजह से जान भी जा सकती है, क्योंकि इन्फेक्शन गैंग्रीन में बदल सकता है जी। और वो बड़ी जल्दी शरीर में फैलता है। बिल्कुल। तो इसका इलाज तुरंत कराना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। बिना देखे बिना जाने या आपको बता देना नामुमकिन है टीवी पे कि आप ये दवाई लगाइए ऐसे करिए वो ठीक हो जाएगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसके लिए ये है कि शुगर कंट्रोल की जाए। जब तक शुगर कंट्रोल नहीं होगी कोई भी सुधार इसमें नहीं हो पाएगा जी। और हो सकता है क्या, अगर 4 महीने से इन्फेक्शन है अभी ठीक नहीं हो रहा, तो ऐसे मरीज को इंसुलिन देना बहुत ही आवश्यक है। आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, वहाँ पे आपके घर के आसपास या आपके शहर में कोई बड़ा अस्पताल हो जहाँ पे ऐसे डॉक्टर हों जो इंसुलिन देने में सक्षम हो, जिनका एक्सपीरियंस हो, उनसे जाके मिलें, उनको दिखाएँ घाव, उनकी शुगर कंट्रोल की जाएगी, हो सकता है उनको एंटीबायोटिक दी जाए क्योंकि घाव में इन्फेक्शन अवश्य होगा, ये सब चीज़ें की जाएंगी। उसके साथ साथ घाव की सफाई बहुत आवश्यक है, रोज़ सफाई करिए घाव को, कुछ एंटीसेप्टिक चीज़ में जैसे सेवलॉन ऐसी कुछ दवाई में डुबो के रखें, उसके बाद उसको साफ़ करके उसके ऊपर पट्टी करें। तो ये सब चीज़ें एक बार आप अपने घर के पास किसी सर्जन को दिखाएँ या डॉक्टर को दिखाएँ, वो आपको बताएंगे दिखाएंगे कैसे करना है, जैसे वो बताएं वैसा ही करिए। साथ ही साथ इनकी शुगर ज़रूर कंट्रोल में रखिए,
और अगर घाव पाँव के तलुए में है तो इस बात का ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि उसके ऊपर जोर न डालें, मतलब चले ना, पाँव के ऊपर वजन ना दें, या अगर चलना बहुत आवश्यक है तो कुछ इस प्रकार के जूते या चप्पल बना लें कि जहाँ पे घाव है, मान लीजिए अगर इस जगह पे घाव है तो इसके आसपास जोर ना पड़े, क्योंकि अगर यहाँ पे हम दबाव डालते हैं तो जो खून की नलियाँ हैं यहाँ पे वो जाम हो जाती हैं, अंदर खून नहीं जाता। इसलिए ऐसा करें कि जिस जगह पे घाव है उस जगह पे कोई जोर ना पड़े, कोई दबाव ना पड़े। अगर आवश्यक है तो ऐसे मरीज को लिटा के रखिए, उनका चलना फिरना आप कुछ दिन के लिए बंद करिए, उनको दवाइयाँ दीजिए, शुगर कंट्रोल करिए, घाव धीरे धीरे अवश्य भर जाएगा। यहाँ पर हमारे साथ टीना जुड़ गई हैं। टीना, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछे अपना सवाल। शायद संपर्क टूट चुका है। डॉक्टर साहब, लीवर पर हमने बात की कि डायबिटीज से लीवर पर क्या कुछ हानि हो सकती है, कैसे बच सकते हैं। जैसा कि आपने हमें बताया कि डायबिटीज को कंट्रोल करना यानी कि शुगर लेवल कंट्रोल करना बेहद जरूरी है, खान पान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और क्या कुछ सावधानी के तौर पर हम अपना सकते हैं, बहुत कम शब्दों में आपसे जानना चाहेंगे। एक चीज जिसकी हमने चर्चा नहीं की वो ये है कि हमें रोज एक्सरसाइज करना आवश्यक है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना बहुत जरूरी है खाने पे कंट्रोल करने के साथ। फिजिकल एक्टिविटी का ये फायदा होता है कि हमारे अंदर जो इंसुलिन है वो ज्यादा कारगर हो जाती है। तो अगर आप चल सकते हैं तो 45 मिनट से एक घंटा रोज पैदल चलिए, ये कोई गेम खेल सकते हैं, बैडमिंटन, टेनिस, जिस प्रकार की, ये फिर तैराकी, साइकिल चलाना, ये सब काम करिए, फिजिकली एक्टिव रहिए, खाना जिस प्रकार से हमने कहा है वो खाइए और आपकी शुगर अवश्य कंट्रोल में रहेगी और अपने आप सब कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं।